सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह के बजे 6:30, और आज है तीसरा दिन मेरा हॉर्नबिल में। और जैसा कि ये टेंट देख रहे हो, और मैंने पैक कर लिया मेरा टेंट और रेडी हो चुका है जुको वैली के लिए। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। फाइनली भाई जुको वैली के लिए, और बहुत ही खूबसूरत सा जुको वैली है, और नागालैंड जाना जाता है। नागालैंड अगर बोलो तो सीधा पहले आता है जुको वैली। और आ गए यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए। 8 किलोमीटर ट्रैक है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना कुछ भी नहीं है। और तो भाई अकेला निकल चुका हूँ, कोई मिला नहीं मुझे पार्टनर। और देखो एक स्लीपिंग बैग ले लिया है, और ये पानी वानी भी नहीं है, पानी कहाँ मिलेगा मालूम नहीं। और रास्ता भटक जाऊँ, बोल रहे थे सब गाइड ले लो, लेकिन गाइड तो मिली नहीं भाई मुझे कहीं। और बस ड्राइवर से पूछ लिया था, नीचे थे उनको, कि इधर से चढ़ना है। और बहुत ही खूबसूरत सा वैली है, और चलते हैं आगे। भाई टॉप चढ़ाई है भाई, भाई घने नज़ारे, घना सा जंगल। और चल रही है भाई, बहुत स्टीप चढ़ाई है, लेकिन चलना है। देखो भाई सो भाई चढ़ के आ गए हैं, बहुत लोग मिले यहाँ पे, और यहाँ का व्यू पॉइंट ट्रैकिंग थी। लगभग लग गया मुझे लगभग 1 घंटे 15 मिनट लगे व्यू पॉइंट आने तक, और नज़ारा बहुत ही शानदार है। और वो सबसे मिलिए, बहुत ही अच्छे लोग हैं भाई, और ऊपर का नज़ारा तो शानदार है। और वो जाके आपको दिख नहीं रहा होगा पता नहीं, लेकिन वो जो आपको लाल घर दिख रहा होगा वहाँ से मैं ट्रैक करके आ रहे हैं। और मेरे साथ पीछे सामने जो देख रहे हो ये जुको वैली स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा जुको वैली है, और अभी इसकी हम ट्रैकिंग करेंगे। जो चढ़ाई था वो ख़त्म हो चुका है, और बस सब बराबर बराबर ज़मीन है, ज़्यादा उतनी चढ़ाई नहीं है। और सुना है बहुत ही खूबसूरत है, चलते हैं और अंदर तक। अनुज भाई, अनुज यादव, हम अजीत यादव, ये भी दोनों बड़े ब्लॉगर हैं। तो भाई ट्रैकिंग चल रही है भाई, और बहुत ही खूबसूरत सा जुको वैली। पहले तो बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी, लगभग 1.5 घंटे लग गए, और अब थोड़ा बराबर है और ज़्यादा। चलने की थक नहीं पा रहे, नहीं तो चढ़ते समय तो भाई हालत ख़राब हो गई थी। और ये जंगलों से गुजरते हुए जा रहे हैं भाई, अब वो है रियल ट्रैवलर और ट्रैकर भाई। देख लो व्यू थोड़ा सा, और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, एक बार जंगल में आग लगी थी तो पेड़ सब जल गए भाई। और बहुत ही खूबसूरत सा वैली है, देखो नज़ारे भाई। तो भाई ये नज़ारा देखो यार, क्या खूबसूरत सा है, और ये पेड़ तो और खूबसूरत से दिख रहे हैं, और जितना जितना सामने जा रहे हैं और जाते रह रहे, नज़ारा और भी खूबसूरत होते जा रहा है।
तो चलते हैं और भी नज़ारे दिखाते हैं आपको और जंगलों का मजा। वैली इतना मस्त है ना, क्या बोले, ये थकान दूर करते रहे भाई। आप ये व्यू देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सा है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में और बर्फ का जो पिघल के जा। नदी है और ग्लेशियर से, और जो ये मतलब ये पहाड़ में जो अभी आपको दिख रहा है जितने भी घास है वो बैम्बू ग्रास है, और बैम्बू ग्रास बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसका व्यू जो वैली का है वो बहुत ही बदल दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इतना खूबसूरत सा नज़ारा है कि एकदम लग रहा है बैठ जाए यहाँ पे। लेकिन और भी खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाना है, तो बने रहे चैनल पे और चलिए आगे चलते हैं और सनसेट व्यू दिखाएंगे और जितना हो सके और भी व्यू दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और चैनल पे बने रहें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें, और जो वीडियो ये नहीं देख रहे हैं पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। तो भाई अभी मुझे मिले हैं, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? कोहिमा। विच ट्राइब? चकासांग। चकासांग, नाइस टू मीट यू। यू टू। ओके, कहाँ से भाई? बेंगलोर। कोलकाता। कोलकाता, हेलो। हेलो। तो भाई बहुत लोग मिल रहे हैं यार, जाते समय हम सोचे थे हम तो अकेले ही हैं, और मज़ा आ रहा है यार एकदम ट्रैकिंग का एडवेंचर। भाई पहली बार कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे ये नज़ारे देख रहे हो क्या खूबसूरत सा है यार, देखो, और ये देखते देखते मतलब मन ही नहीं भरेगा आपका देखते देखते। और वो जाते हो तो यहाँ के लिए 120 रुपीज़ पर पर्सन आपको पास लगता है, और कैमरे का 200 रुपये देना पड़ता है उसके लिए परमिट। तो वो भी दिखा दूंगा वीडियो में, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, नहीं तो ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। अभी तो और ट्रैकिंग है रे भाई, और ये देखो पीछे का पेड़ सूखा सूखा बड़ा मस्त दिख रहा है, और वैली बड़ी खूबसूरत सी है भाई। अभी तो थोड़ी उतनी ठंडी नहीं है और गर्मी लग रही है, थोड़ी स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ठंडा हवा भी चल रहा है, और ऊपर जाते ही सीधा क्या होता है एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चला जाएगा भाई, और लगभग 40 मिनट्स की ट्रैकिंग है, तब से किए जा रहे हैं, और कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं देख लो। भाई क्या नज़ारा है यार, और अभी सीधा एकदम भाई, कुछ ऐसे लोग भी एक घंटे में ऊपर भी मतलब ऊपर जाके आ जाते हैं, देखो सामने में वो लोग जो जा रहे हैं, मतलब फायदा क्या है, फायदा क्या है बताओ, घंटे में जाओ फिर आ जाओ, मतलब ना सनसेट देखा ना सनराइज देखा तो गए ही क्यों? क्यों गए भाई? भाई मेरा तो 2-3 दिन का मन है रहने का। मैं तो दो दिन रहने वाला हूँ भाई। 2 दिन तो रुकेंगे ही, और खत्म हो जाएगा ना तो उधर से मुगरा मुर्गी जो मिलेगा मारेंगे भाई। मुर्गी का प्लान है कहीं, लेकिन उसमें फाइन है 5,000 रुपया अगर कोई यहाँ का मुर्गी सुर्गी पकड़ के ले गए तो। हाँ भाई, दिखा नहीं तो वहाँ पे। हेलो गाइस, देखो हमारा अजीत पानी भर रहा है, और ये नेचुरल वाटर आ रहा है भाई, और पानी खत्म हो गई थी, और लगभग नहीं तो 8-9 डिग्री का है वो, शायद 8 होगा ना, 8 होगा। और ये एक खास चीज़ बताता हूँ,
हम आए थे एक जगह तक, पॉइंट तक गाड़ियाँ आती है और हम गाड़ी से आए और यहाँ तक पहुँचे अभी बहुत, अभी यही लगभग आधे घंटे और ट्रैकिंग है। लेकिन ये जो भैया है और इन भाभी है सिस्टर, अच्छा, और इनकी वाइफ है, पैदल आए नीचे से, पैदल आए नीचे से हमारे साथ ही हो गए भाई। तो हमारा गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्टेमिना बहुत अच्छा है इन लोगों का, और मिलके इनसे बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ, योर फर्स्ट ट्रैकिंग? ओ भाई, ओ तो इनकी फर्स्ट ट्रैकिंग है और इतनी खतरनाक भाई, हमसे भी नेक्स्ट लेवल है भाई इनकी तो ट्रैकिंग। हाँ हाँ, इनकरेज करने वाला पुष्क इनका, चलिए अच्छा है। तो भाई पानी वानी भर लिए, ख़त्म हो गई थी, अब निकलते हैं आगे और चलते हैं। मेरा टेंट रह गया, टेंट छोड़ के नहीं जाना है। ये बॉटल रखो पहले। हाँ, पानी बहुत ठंडा है भाई, ठंडे तो चाहिए अपने को। मेरा साइकिल चला। ओके, मिलते हैं फिर। गर्म से तो ठंडे के लिए तो आ ही रहे हैं इधर। चलो बाय बाय। यूपी बिहार? फ्रॉम यूपी। हम लोग दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, किधर दिल्ली में? किधर? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली? साउथ दिल्ली। ओके ओके ओके, तो ये मिलते हैं। हाँ ठीक है, फिर तो हिंदी अच्छा। चलो फिर। हाँ चलिए, अच्छा है भाई। वो ये पूछता है हिंदी आपकी अच्छी है तो बोले हिंदुस्तानी है। वी आर इंडियन फर्स्ट, प्राउड टू बी इंडियन। उसके बाद स्टेट वाइज पहले इंडियन है। और लोग भी मिले भाई, सब उतर रहे हैं। ऊपर कैसा है माहौल? अच्छा है, ठंडा कैसा है? मजा आएगा। आप लोग रुक के आए हो नाइट? नाइट रुकने वाले हो? हाँ हाँ, आप लोग नहीं रुके? अब वो कुछ बोलेंगे नहीं। लगने वाली है। ओए भाई, चलो भैया। खूबसूरत सा वैली भाई, और जंगलों में हिंदी गाने के साथ भाई, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। भाई देख रहे हो? सो हेलो गाइस, जैसा कि हम आफ्टर 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करके ऊपर आ गए, और देख रहे हो आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री अवेलेबल है और टेंट भी, और टेंट के लिए आपको लगभग जो रेट्स है वो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे डॉर्मेट्री है लेकिन डॉर्मेट्री का एक स्कैम है, वो अवेलेबल नहीं रहता, ब्लैंकेट नहीं रहता, आपको टेंट इंसिस्ट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा महंगा है। तो हम टेंट लेके आए थे, स्लीपिंग बैग भी लेके आए, तो दिखाते हैं अपना कैंपिंग स्पॉट कहाँ पे लगाया है। और बगल में एक और साथ में जो मिले हैं उन्होंने भी लगाया है भाई। तो ये वाली मेरी टेंट है और ये वाली भाई की है, भारत याद क्या नाम भूल गया यार, हमार भारत जी का है ये टेंट। और हम लगा चुके हैं टेंट, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे, देख लो। और ये सब ये मेन यही जगह है, और सनराइज़ कहीं उधर जाना पड़ता है सनराइज़ देखने के लिए, और जो सनसेट है वो आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, जो यहाँ से होने वाला है। और ये वैली बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये जो सामने में आप देख रहे हो ये हेलीपैड है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और इंजॉय करते व्यू को। और मेरे जस्ट उसके बगल में नीचे में एक बहुत ही अच्छे छोटे छोटे पहाड़ जैसे है, उसके पे घास वास लगे हैं, तो वो वाला व्यू भी बहुत ही अच्छा है। वो भी हम कल जाएंगे, आज नहीं। तो आज हम थोड़ा सब कुछ सेट कर लिए और थोड़ी देर में कुछ खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि खाना यहाँ बहुत महंगा है। तो हम लोग नीचे से मैगी और स्टोव बर्नर सब लेके आ गए थे, और बहुत ही ठंडा होता है, तो मैं स्लीपिंग बैग सब लेके आ गया था। तो आपको भी बोलता हूँ अपना टेंट वेंट लेके आएँ, क्योंकि अगर ट्रैवल ब्लॉगर, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो भाई इधर आओगे तो आप लूट जाओगे। तो आप अपना टेंट लेके आओ और स्लीपिंग बैग लेके आओ जो 0 डिग्री से तक रह सके, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री तक जाता है। और ये तो अभी तक इतना ही बताना था, और जो भी होगा आगे बताएंगे आपको। तो भाई जैसा कि देखो, बर्तन वर्तन मिल गया यार, रेंट पे मिला है, ज़्यादा महंगा नहीं है, रेट बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। और जैसा कि
पानी का जो है, पानी का सिस्टम यहाँ पे आता है ऊपर से, तो वो दिखा देते हैं। तो भाई ऐसा स्पॉट है, और हमारा नाम बोल गया तुम्हारा, ओए नाम अनुज, हमारा अनुज सेफ थोड़ा सा बर्तन धोएगा अभी, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा धो देगा ये। और चलते हैं अभी धोएंगे और कुछ खाना वाना बनाएंगे, खाना तो बहुत महंगा है यहाँ पे का, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप भी देख, आपको भी दिखाते हैं और मैं भी इंजॉय, आप भी इंजॉय करो व्यू को और मैं भी देखता हूँ। और देख लो कितने लोग वेट कर रहे हैं। कैंप किया था और आज थोड़ा खाना ही बनाते हैं कुछ, तो देख लो मैगी बनाने के लिए मैंने स्टोव लाया और ये सिलेंडर पड़ा है 100 रुपये की, और बर्तन वर्तन डेल ले लिया है मैंने यहीं से, रेंट पे मिला है। और अभी मैगी बनाते हैं, चलिए दिखाते हैं थोड़ा। पानी ज़्यादा है कम है? ठीक है, ज़्यादा है लगा, ज़्यादा है, बहुत छोटा है। 10-10 वाले मैगी है, बहुत ठंडे भाई, ठंड में मैगी गरम गरम खाएंगे। तो भाई मेरी कैंपिंग तो आप देखे थे, अंदर का दिखाता हूँ मैं, और मेरी गियर्स तो आप देख चुके हो पहले अरुणाचल वाले में, अभी दिखा देते ये अंदर का व्यू मेरे टेंट के पीछे देखो। और स्लीपिंग बैग और एक लाइट लिया था मैंने, दिखा था उनसे वो भी।